नूरपुर भाजपा पार्टी प्रत्याशी रणबीर सिंह निक्का ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नूरपुर विधानसभा से भाजपा टिकट मिलने पर किया धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं नूरपुर की जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाऊंगा। रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा बेरोजगार युवाओं को रोजगार, नूरपुर में जो अधूरे काम है उसे पूरा करवाऊंगा, अच्छे शिक्षा संस्थान, कच्चे घरों को पक्का करूंगा, महिला शक्ति के छोटे लघु उद्योग लगवाऊंगा, नशा तस्कर पर लगाम लगवाऊंगा और भी जो लोगों के काम होंगे उन्हें पूरा करवाऊंगा। निक्का ने कहा कि पिछली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम किया था, परंतु 2017 की टिकट मुझे नहीं दी गई थी। मैंने घर घर जाकर पार्टी को मजबूत किया, प्रचार किया था, मगर अंतिम दिन ऐसे आज हुआ तब मेरे साथ हुआ था। टिकट कट गई और टिकट राकेश पठानिया को मिल गई। हमारे समर्थकों में रोष था, पर हमने पार्टी का हुक्म माना और निरंतर काम करते रहे। हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के पास आ जाएंगे, उन्हें साथ जोड़ेंगे और नूरपुर में भारतीय जनता पार्टी को जीत और मजबूत बनाएंगे। नूरपुर के लोगों के पास दो नेता हो जाएंगे तो नूरपुर को फायदा होगा। राकेश पठानिया को फतेहपुर से जीत दिलवाने के लिए मैं सभी समर्थकों से अपील करूंगा कि वह संयम से काम ले और जिसके भी फतेहपुर में सगे संबंधी हैं उन्हें कहकर राकेश पठानिया को समर्थन करवाएं। हम भी जानते हैं कि उनकी नाराजगी अपनी जगह ठीक है, पर हम सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दोनों जगहों से जीत दिलवाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया है। मैं अपने नूरपुर के लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत दिलाऊंगा। मुद्दा हमारा रहेगा जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए हम नौजवानों को रोजगार यहाँ पर दिलाएं। हमारा मुद्दा रहेगा जो हमारे काम अधूरे रहे हैं उसको आगे, जो लोगों के काम है घरों तक सड़कें पहुंचनी है उसको पूरा करने का काम करूंगा। मुद्दा हमारा रहेगा जहां पर अच्छी शिक्षा, नूरपुर के और शिक्षण संस्थान लेकर आएंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी यहां पर शिक्षा मिल सके। तो हम यहां पर जो भी नशा तस्कर यहां पर हमारे नूरपुर की ओर नशा भेजते हैं उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे और बंद करेंगे उनको। और हमारा एक मेन मुद्दा है जो आज दिन तक लोगों के घर कच्चे हैं, उन घरों को पक्का करने के लिए मैंने लोगों के साथ वायदा किया, उनके घर पक्का कराने के लिए मैं काम करूंगा। इसी तरह हम लोगों का आशीर्वाद लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। महिला शक्ति जो हमारी है नूरपुर की, गाँव के हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको छोटे छोटे मिनी लघु उद्योग लगाकर ताकि हमारी महिला शक्ति को भी रोजगार मिल सके, मैं उसके लिए महिलाओं के लिए भी काम यहाँ पर करूँगा। तो मेहनत करते करते हम इसी तरह चुनाव इस बार नूरपुर से जीतेंगे। निक्का जी, अभी हाल ही में देखा गया जब आज आपको विधानसभा की टिकट दी गई है भाजपा की तरफ से, तो जहाँ के जो वन मंत्री हैं राकेश पठानिया जी, उनके जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी रोष है, उन्होंने अपने घरों में दुकानों में जो भाजपा के झंडे लगाए थे वो उतार दिए, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने दिन रात काम किया था, दिन रात 2017 की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुझे देनी थी। घर घर जाकर हमने पार्टी का प्रचार किया था, संगठन को मजबूत किया था, पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ता खड़े करे थे, मगर लास्ट दिन जैसा आज हुआ इसी तरह हमारी टिकट कट गई। माननीय विधायक पठानिया जी को मिल गई। हमारे लोगों में भी रोष था कि अचानक जिन्होंने काम किया टिकट कट जाए, मन को ठेस पहुंचती है, मगर माननीय पठानिया जी और उनके लोग, हम भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, पार्टी से मांग कर रहे थे कि हमारे ऊपर भी एक बार विश्वास जताकर देखिए। आज पार्टी ने अपना निर्णय कर लिया, हम लोगों के घरों में जाएंगे, जो कार्यकर्ता रूठे हैं रोष्ट हैं उनको मनाएंगे, जिस तरह से हमने पिछली बार त्याग कर माननीय पठानिया जी के पक्ष में वोट मांगे थे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, हमने उनके समर्थन में अपील भी करी थी, सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जहां से जिताया था। तो मैं जाऊंगा, जो लोग रुष्ट हैं उनको मनाऊंगा कि भाई आओ इकट्ठे होके चलते हैं,
नूरपुर में एक प्रचंड जो जीत है वो हासिल करके आगे बढ़ते हैं, और माननीय पठानिया जी को फतेहपुर विधानसभा में टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि संयम के साथ सोचे, लंबी सोच सोच के चलें, इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नूरपुर के लोगों के पास अगर दो दो विधायक मिल जाए तो लोगों को किस चीज़ की चिंता है। फतेहपुर से पठानिया जी को जिताने के लिए पूरे कार्यकर्ता नूरपुर के बंधु काम करेंगे। हर किसी की रिश्तेदारी इधर उधर है, संगठन का काम करने वाले संगठन को अच्छी तरह समझते हैं, और हम भी लोगों के साथ अपील करेंगे कि आप फतेहपुर में भी पठानिया जी का साथ दीजिए। और नूरपुर के कार्यकर्ताओं को मैं बोलूँगा, संयम के साथ, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में मुक्त हो रही है, विलुप्त तो हो गई है, आप उल्टी बातें अपने मन में ना सोचो। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके उदाहरण हर्ष महाजन चंबा से, कांगड़ा से पवन काजल जी, ऐसे ऐसे हमारे विधायक भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। गुस्सा थोड़ी देर का होता है, आराम से मन के साथ सोचिए, मैं हर किसी का काम करूंगा, आपके पास आऊंगा, कोई भी बात होगी तो हम बैठ के बात नूरपुर के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे और पार्टी के साथ एकजुट होकर पार्टी को यहाँ पर जिताने के लिए काम करेंगे। निक्का जी, आपको नूरपुर से टिकट मिली है और पठानिया जी को जो है फतेहपुर से टिकट मिली, क्या आप पठानिया जी से आशीर्वाद लेके जाएंगे? बिल्कुल, संगठन के साथ जो लोग जुड़े हैं, हर एक एक बूंद, एक एक कार्यकर्ता, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कार्यकर्ता को हम अपने साथ जोड़ेंगे, किसी को रुष्ट नहीं होने देंगे, इकट्ठे हम चलेंगे। चलो, बंदे के मन में ठेस पहुंचती है कुछ बातें लेकर, तो हम भी तो हम हाँ अपने गांव के लोगों का काम करेंगे, अपने ब्लॉक से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे, नूरपुर के विकास के लिए काम करेंगे। रूठना रूठते हैं लोग, जब अचानक से परिवर्तन आ जाता है, इकट्ठे मिलकर चलेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।